हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर प्लान सर वास्तु के बारे में बताओ, वास्तु के बारे में बताओ, वास्तु के थ्रू कैसे प्लानिंग करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो मैं वास्तु के थ्रू खुद भी प्लान करता हूं, और प्लानिंग हमारा मेन काम है, प्लानिंग डिटेलिंग एंड 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड 3D मॉडलिंग का काम है हम लोगों का। तो आज मैंने सोचा कि जो भी हम लोग के पास नॉलेज है अबाउट वास्तु, देखिए वास्तु जो है बहुत बड़ा है, मैं उसको एक एक छोटा छोटा करके डिस्क्राइब करता हूँ आपको, क्योंकि सारा कुछ एक वीडियो में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगा। देखिए वास्तु है क्या, पहले कुछ लोगों को वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो वास्तु देखिए क्या होता है दोस्तों, कि वास्तु एक जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी बोलती है, हिंदू मैथोलॉजी बोलती है कि हमारे घर के चारों तरफ देवताओं का निवास होता है, हर घर के चारों तरफ देवताओं का निवास होता है। लाइक अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में बोला जाता है कि यहाँ पे 9 प्लेसेस पे, मतलब 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारों पे एक एक भगवान होते हैं। लाइक अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, तो नॉर्थ में 9 भगवान होते हैं नॉर्थ द्वार पे, और क्या बोलते हैं, अगर साउथ की बात करूँ तो साउथ में 9 द्वार होते हैं, उसके बाद अगर वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट में 9 भगवान होते हैं, और अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट में भी 9 भगवान होते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे घर के अंदर 36 देवताओं का वास होता है। तो अब यहाँ पे 36 देवताओं को अगर एक एक डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं, जो हमें ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि अगर आप देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पे क्या होता है कि जब सबसे कॉर्नर का कोण होता है, लाइक नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, इसमें जो ऊपर नॉर्थ और इधर वेस्ट का जो पार्ट होता है ऊपर, उसको वायव्य बोलते हैं, वायव्य जगह होता है। और इधर आप देखेंगे नॉर्थ और इधर नॉर्थ और ईस्ट के तरफ देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ईशान, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये आग्नेय, और इधर कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल के कॉर्नर पे, तो इसको बोलते हैं निष्ट्रांत। तो क्या होता है कि जो हमारा वायव्य होता है, वहाँ वायव्य पे हमारे वायु देवता का निवास होता है, वायु देवता का निवास होता है ऐसा बोला जाता है। तो जो वायु देवता का निवास होता है, और जो हमारा सेकेंड स्थान होता है, अगर देखेंगे यहाँ, तो आपको सेकेंड स्थान पता चलेगा, यहाँ पे कुबेर का स्थान होता है। किसका? कुबेर का स्थान होता है, कुबेर भगवान यहाँ पे वास करते हैं ऐसा बोला जाता है। हमारा जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमारे लॉर्ड शिवा का स्थान होता है, मतलब भगवान शिव का स्थान होता है। इसके बाद देखेंगे अगर हम सेकेंड बॉक्स में, तो इस बॉक्स में हमको दिख रहा होगा कि यहाँ जो जगह है, यहाँ पे हम लोगों के मतलब कि जल देवता का निवास, जिसको वरुण देवता हम लोग बोलते हैं, वरुण देवता हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वरुण देवता का निवास होता है। और उसके बाद अगर मिडिल की बात करें, तो मिडिल में हमारे ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्मदेव का निवास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है दोस्तों। और इसके बाद इस कॉर्नर पे आपका निवास होता है सूर्यदेव का। किसका निवास होता है? सूर्यदेव का। और इसके बाद सबसे लास्ट वाली रो में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे जगह जो होती है, इसमें सबसे कॉर्नर का जगह ये पृथ्वी का जगह होता है, जहाँ पे आपके गार्जियंस को रखना चाहिए। तो ये पृथ्वी का जगह होता है, यहाँ पे पृथ्वी का निवास होता है। और इसके बाद यहाँ पे बीच में हमारे पास यम का स्थान होता है, जैसे आपको कहते हैं यमदूत आए हैं, तो यमदूत का घर होता है इस जगह में। तो इसलिए इस जगह से थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, इस जगह पे मैं अभी डिस्कस करूँगा सावधानी किस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक होता है। और सबसे कॉर्नर में सबसे नीचे आपको यहाँ पर अग्निशामक, ये जगह जो होती है इसको बोलते हैं अग्निशामक, क्योंकि यहाँ पे आग्नेय होता है, तो अग्निशामक जगह होती है जहाँ पे हम लोग को किचन का निवास होता है। चलिए देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी कौन सा रूम कहाँ पे बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा रहे। तो अगर आपको बताऊँ तो वायु जो होते हैं, वायु के जगह पे अगर आपने स्टोर रूम रखा है, लेबोरेटरी रखा है, स्टेयरकेस रखा है, तो बहुत ही अच्छी जगह है उस केस के लिए। और अगर कुबेर की बात करूँ, जो हमारा सेकेंड स्थान है, सेकेंड स्थान कुबेर का स्थान होता है दोस्तों। कुबेर का स्थान में अगर हमने कुबेर के स्थान पे पैसे रखे हैं, हमारे हमारे जो वार्डरोब है जिसमें हम लोग फाइलें रखते हैं, ऐसी चीज़ों को अगर रखते हैं, ऐसा रूम रखते हैं जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें रख सकें, तो हमारे धन की वृद्धि होती है, क्योंकि ये कुबेर का स्थान होता है। इसके बाद अगर अब देखें तो नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन है, जहाँ पर हम लोग का ईशान है, ईशान में हम लोग को पूजा घर रखना चाहिए। पूजा घर के साथ अगर हम लोग पूजा घर रखे हैं, तो साथ ही साथ एंट्रेंस भी हमें देने का सबसे अच्छा जगह होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का सबसे अच्छा प्रताप होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो हम देखिए यहाँ पे दूसरे रो में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास जल देवता होते हैं, तो जहाँ पे जल देवता होते हैं यहाँ पे हम अच्छे हम लोग यहाँ पे हमारे पास जल देवता है, तो जल देवता की जगह पे हम लोग स्टडी रूम अगर बनाते हैं, तो स्टडी रूम हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है इस जगह पे। और उसके साथ आप डाइनिंग टेबल भी बना सकते हो, खाने के लिए आप
जगह दे सकते हो, डाइनिंग रूम हो सकता है यहाँ पे आपका। और जो बीच का जगह होता है जिसे हम लोग ब्रह्म जगह बोलते हैं, जो हमारे पुराणों में बहुत दिनों से जहाँ पे देखा होगा आपने घरों में, पुराने घरों में हमारे पास तुलसी का पौधा होता है, तो इस जगह को ब्रह्म का जगह बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे तुलसी का पेड़ लगाते हैं। इस जगह को हमको खाली रखना चाहिए, मतलब घर का आंगन जो होता है ओपन यार्ड, तो ओपन यार्ड आप रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह होता है। इसके बाद इसके जस्ट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो सामने से ईस्ट डायरेक्शन में मिडिल में आपके पास बाथरूम यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। बाथरूम के लिए सबसे उत्तम जगह ये है, क्यों? क्योंकि अगर आप साइंटिफिक रीज़न देखें कि यहाँ पर बाथरूम क्यों रखना चाहिए, तो साइंटिफिक रीज़न ये है दोस्तों कि ये ईस्ट दिशा, ईस्ट डायरेक्शन से सन की लाइट आती है, और सन की लाइट आने से पूरे जो बाथरूम में अगर सन के लाइक सन के पार्ट जाएंगे तो वहाँ पे वो जो जगह होगा वो शुद्ध रहेगा, तो आपके घर में गंदगी नहीं होगी, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ये है। और इसको इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर हम देखें जहाँ पर पृथ का जगह है, यहाँ पर हमारे पास घर के जो गार्जियन है उनको जगह देना चाहिए, कि हम लोग यहाँ पे मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, और जो हमारे घर के सबसे हेड मेंबर हैं उन मेंबर को यहाँ पे जगह दे सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हमारे मैथोलॉजी में कि अगर यहाँ पे हम लोग पित्त का जगह देते हैं तो पित्त का यश बढ़ता है और पूरे घर पे उनका अच्छा कंट्रोल होता है। सो इस जगह सबसे अच्छा जगह होता है हमारे घर के जो सबसे बड़े या जो गार्जियन है उनको रखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो उस जो सेकेंड स्थान है उस स्थान पे यम का जगह होता है, तो यम के जगह पे हमारे किसी भी गार्जियन को नहीं बल्कि बच्चों को रखना चाहिए, मतलब चिल्ड्रेंस रूम बनाओ और टॉयलेट का जगह बनाओ, ये सबसे अच्छा होता है टॉयलेट के जगह के लिए। और बच्चों के रूम अगर बना सकते हो बच्चों का रूम भी आप बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जो आग्नेय का जगह होता है जहाँ पर हम लोग किचन बना सकते हैं, वो जगह यहाँ कॉर्नर में देखिए आप आग्नेय के पोर्शन में। आग्नेय में हम लोग क्या कर सकते हैं, किचन बना सकते हैं, और किचन के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है, और कहीं पे किचन आपको नहीं बनाना चाहिए। किचन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए वास्तु जो है, अगर अभी आपको समझ में आ गया होगा, वास्तु जो है, वास्तु क्या है, शास्त्र है, और शास्त्र बनाया क्यों गया है, शास्त्र जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। मतलब इसके थ्रू अगर आप प्लानिंग करेंगे तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ अभी अभी जो हमने प्लान देखा उस प्लान में कि जो हमारा बाथरूम है और देखिए किचन है, दोनों में पानी का कनेक्शन होगा, प्लम्बिंग का कनेक्शन होगा। अब देखिए वास्तु का क्या कह रहा है कि हम दोनों को साथ में रखना चाहिए, और सीधी सीधी बात है कोई बाथरूम में भी पानी लगेगा और किचन में भी पानी लगेगा, उनकी पाइपलाइनों को हम एक कर सकते हैं, इजी तरीके से हमारे पास हो गया। इसके बाद अगर वास्तु में अगर हम देखें तो ईस्ट और नॉर्थ में आपको वर्शिप रूम रखा गया, मतलब पूजा का रूम रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है कि पूर्व की तरफ ही मुंह करके हमें पूजा करना चाहिए, तो अगर हम वहाँ पे रूम बना रहे तो हम अच्छी तरीके से पूजा वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बाकी जैसे कि अभी जो इंडियन ट्रेडिशन भी बढ़ रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, पहले तो हमारे पास जो बाथरूम में जो टॉयलेट होता था, टॉयलेट हम लोग घर के बाहर निकालते थे दक्षिण दिशा में, पर अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो मॉडर्न टाइम में आपके पास स्पेस कम है और जगह ज़्यादा देना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बाथरूम में ही यहाँ पे घर में ही हम बाथरूम के साथ टॉयलेट अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास संभव है तो आप कोशिश करिए कि घर के बाहर अपने टॉयलेट को बनाइए। क्यों? क्योंकि वास्तु हमारा यही कहता है कि दक्षिण दिशा में घर के बाहर आपका टॉयलेट बनना चाहिए। अब इसके बाद कई लोग कन्फ्यूज़ होकर सर स्टेयर केस कहाँ पर देंगे, मतलब सीढ़ियाँ कहाँ पर देंगे, तो दोस्तों अगर मैंने जो रेक्टेंगल दिखाया, इस रेक्टेंगल में देखिए तो जो सबसे ऊपर का कॉर्नर का पार्ट होता है ये देखिए ऐसे चलता है क्रॉस, तो जो ये क्रॉस पार्ट है यहाँ पे कभी भी स्टेयर नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए स्टेयर? जो सबसे ऊपर का बॉक्स है इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग सिर, घर का सिर होते हैं इस पार्ट को बोलते हैं, जो मिडिल का पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेट, और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाँव। तो सिर, पेट और पाँव पे कभी भी आपका स्टेयर केस नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टेयर केस आता है तो आपके घर में दोष आएगा। स्टेयर केस के लिए आपके पास अच्छा जगह अगर मैं बोलूँ तो आप यूज कर सकते हो जो आपका जल का जगह है, जहाँ पे जल देवता आपके वरुण देवता, जो मैंने अभी दिखाया आपको वरुण देवता जहाँ पे निवास करते हो वहाँ पे आप स्टेयर केस बना सकते हो, जहाँ पे वायु देवता निवास करते हैं वहाँ पे बना सकते हो, जहाँ पे कुबेर देवता निवास करते हैं वहाँ पे बना सकते हो। अगर आप घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हो तो बड़ी ही पॉजिटिव रेज आती हैं। और जैसे कि अभी आपने घरों में भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा में आपको पैर करके नहीं सोना चाहिए। अब देखिए उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, और मतलब कि अगर साइंटिफिक नहीं तो अगर वास्तु के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो यमलोक का जगह है, मतलब यम का जगह, यमदूत वहाँ से आते हैं। तो उस जगह में, उस दिशा में अगर हमने सीख करके, अगर हमने इस तरीके से डिजाइन किया उसी दिशा में हम लोग सीख करके बेड लगा सकते हैं तो हमारी आयु जो है वो कम होगी, तो ये जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए कि ऐसे छोटे छोटे रूल्स आप फॉलो करिए जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अभी मैं अगर पॉजिटिव एनर्जी के लिए दूसरी बात करूं तो जब घर का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पे और आउटर पे जो वॉल होती है, जैसे कभी यहाँ से एंट्री किया आपने और यहाँ से एग्जिट किएंगे आप यहीं से, मतलब इसी वॉल में, तो इस वॉल में आप कोशिश करिए कि ऊपर गणेश भगवान का लाइक फोटो लगा दीजिए, आगे भी और पीछे भी।
तो उससे क्या होता है कि उनके जो आँख होती है, आँखों से अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे हिंदू मैथोलॉजी बोलता है। अदरवाइज आप स्वास्तिक बना सकते हो, स्वास्तिक भी उन्हीं का सिंबल होता है, तो आप स्वास्तिक के थ्रू भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर ला सकते हो। लेकिन कोशिश ध्यान रखिएगा, उनके पीठ से क्या बोलते हैं निगेटिव रेस होती है, इसलिए पीठ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाइए, दोनों साइड लगाएंगे तब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डीप में मैं जाके दूसरे भी पार्ट इसके तैयार करूँ वास्तु के बारे में, तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे कमेंट करिएगा, सर और ज़्यादा डीप में इसको बताइए। ये वीडियो मैं वास्तु रिलेटेड पूरा का पूरा बनाया, तो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो नीचे यहाँ पर कमेंट करिए, कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए। सेकेंड बात ये कि अगर आपको प्लानिंग करवाना है, वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कराना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और आपको ईमेल आई डी मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना सकते हो। इसके अलावा आपके घर का वास्तु चेक कराना हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग वास्तु भी चेक करते हैं। तो आपको जो भी हमारे थ्रू रहेगा पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि अभी किचन है, अगर मैं किचन की बात करूँ तो अभी भी जो हमने डायरेक्शन दिया इस तरीके से कि ये हमारा ईस्ट है और ये क्या है हमारा नॉर्थ और ये नहीं क्या है साउथ, तो जो साउथ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन की तरफ लाइक किचन तो बना रहे हो पर साउथ डायरेक्शन की तरफ किचन का फेस नहीं करना चाहिए। मतलब कि घर खाना बनाने के लिए हमेशा क्या डायरेक्शन प्रीफर करना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन प्रीफर करना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन प्रीफर करने का रीज़न क्या है, उससे उधर पॉजिटिव रेज ज़्यादा होती है और भी दो तीन साइंटिफिक रीजन है। तो मैं स्पेशली एक किचन के लिए भी वास्तु बनाऊंगा कि किचन में कहाँ पे पानी की जगह होना चाहिए, पानी किचन वाले ही रूम में होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपको ये सारे वीडियोस भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो दोस्तों, होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा एफर्ट। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं और ज़्यादा डीप में वास्तु के बारे में पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस।